बुरी चीज़ ये है कि वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब शिद्दत पसंद जैसे आप कहते हैं, कि वो किसी भी स्पोर्ट्स ले लें, किसी भी आइडियाज़ को ले लें, जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आएगा वो शिद्दत पसंदी की तरफ चल जाए। मेहनती बहुत है, देखा जाए टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम सबसे आगे वही जा रहे हैं, एज अ एशियन कंट्री के लिहाज देखा जाए हर दूसरी कंट्री उनको स्पॉन्सर कर रही है, एप्पल सैमसंग सब उनमें आ रहे हैं। हम इतना मेंटली उनकी साइड पे हैं कि हम होली मनाने को चले जाएंगे पर अपने ईद मिलादुन्नबी वगैरह कुछ नहीं मनाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ तरह का है। मुस्लिम सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं लगती, आपने अक्सर देखा होगा मुसलमानों की मस्जिद में हर रोज़ मुजाहरे होते हैं और उनके एक खिलाफ जाते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। नाम जो आज मैं एक बहुत ही मजे की और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं। आज हम पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे इंडिया या इंडियंस के बारे में कोई एक अच्छी और एक बुरी चीज। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इंडिया की कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं और कौन सी चीजें बुरी लगती हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अख्तावे सरमद। सैयद रिजवान गिलानी। अब्दुल मोईज। मेरा नाम मोहित है। अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग अबाउट इंडिया। द गुड थिंग अबाउट इंडिया के वो मेहनती बहुत हैं, एज देखा जाए टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम सबसे आगे वही जा रहे हैं, एज अ एशियन कंट्री के लिहाज देखा जाए हर दूसरी कंट्री उनको स्पॉन्सर कर रही है, एप्पल सैमसंग सब उनमें आ रहे हैं। अब आपको जैसे कि उनको पता है डी टू टेक्नोलॉजी के बारे में, वो स्टारलिंक अभी उनमें आ गया है, तो दैट्स वाई कि इंडिया की गुड थिंग ये है एंड बैड थिंग ये कि वो फ्रेंडली नहीं है, ये सबसे ज़्यादा बैड थिंग है उनकी। चाहे जो पहले मैं बैड थिंग के बारे में बात करना चाहूँगी, आपने बोला कि वो फ्रेंडली नहीं है, क्या आपका किसी इंडियन के साथ कोई पाला पड़ा है? पाला नहीं अभी तक तो नहीं पड़ा है, बट एज अ कम्युनिटी या सोसाइटी के लिहाज से देखा जाए तो बैड थिंग है उनकी। आप मैच के लिहाज से देख लें, क्रिकेट भी किसी भी स्पोर्ट के लिहाज से देख लिया, आप कम्युनिटी में आता है जब हमारी टॉक होती है उनके साथ किसी के साथ, तो वो ऐसा इतने नहीं है, मीन्स कि अपना फ़ायदा देखते हैं। अच्छा, मेरा आज तक जितने भी इंडियन के साथ इंट्रैक्शन हुआ है कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या ऑनलाइन किसी भी ऐप पे, तो मुझे तो लगा है कि वो सब बहुत फ्रेंडली हैं। इवन कि आपने कहा कि वो घुलते मिलते नहीं हैं, तो इवन कि अभी T20 वर्ल्ड कप की आपने बात की, तो मैं भी उसी का ही हवाला देना चाहूँगी कि T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब मैच जीता था तो पाकिस्तान के सेलिब्रेशंस के में इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया, वो भी बराबर के खुश हो रहे थे और नाच रहे थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं वो फ्रेंडली नहीं है? वो इस वजह से नाच रहे थे कि उनको कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि वो पहले हार गए थे मैच, इस वजह से उनको कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब आखिरी मौका यही था क्योंकि वो साथ हमारे पड़ोसी मुल्क, इस वजह से मजबूर हो गए थे पॉइंट पे आके। अब वो अच्छा, दूसरा आपने बात की कि आपको इंडिया के बारे में लगता है कि इंडिया की आवाम जो है, इंडियन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, इसमें तो वाकई में कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और हर चीज़ में वो सबसे आगे हैं पूरे एशिया में जो है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका गलबा छाया हुआ है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की आवाम मेहनती नहीं है? पाकिस्तान की आवाम मेहनती है, इस बात में कोई शक नहीं है वो मेहनती नहीं है, बट सबसे बड़ा मसला ये है ना कि वो हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है हमारी। अब आप देख लें ना, एप्पल स्टोर है, अगर वो आती है तो पाकिस्तान उनको टैक्सी इतने ज़्यादा लगा देता है कि किसी के आने का दिल नहीं करता है। दैट वाई मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। इंडिया या इंडियन लोगों के बारे में कोई एक अच्छी और एक बुरी चीज़ बतानी है आपने? अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, बुरी चीज़ ये है कि वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब शिद्दत पसंद जैसे आप कहते हैं, कि वो किसी भी स्पोर्ट्स ले लें, किसी भी आइडियाज़ को ले लें, जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आएगा वो शिद्दत पसंदी की तरफ चल जाए। अच्छी चीज़ जहाँ तक मुझे अभी है कि उनकी स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छी है। अच्छा। स्ट्रीट फूड उनकी काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान की भी स्ट्रीट फूड अच्छी है, लेकिन उनमें वराइटीज़ बहुत है उनकी स्ट्रीट फूड। पहले हम बात करते हैं बुरी चीज़ के बारे में, जो आपने कहा कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, तो एक्सट्रीमिस्ट तो पाकिस्तान भी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत चीज़ें करते हैं, तो फिर आपको इस बिना पर उनकी ये चीज़ बुरी क्यों लगती है, क्योंकि ये चीज़ तो दोनों तरफ है ना? लेकिन इसमें डिफरेंस है, इंटेंसिटी का डिफरेंस है, जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। किसी अब जैसे रिसेंटली कप गुजरा क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसमें आप देख लें पाकिस्तान फाइनल में गया, फाइनल में भी वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया सेमीफाइनल आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, उसमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, फिर वो नहीं करते। अभी आपने शायद, आपको याद हो कि ना कोहली ने ना समथिंग कुछ बयान दिया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था,
उस पे उसको इंडियन वाले क्या धमकियाँ दे रहे थे कि उसकी बेटी पैदा होने वाली थी, कि उसकी बेटी के बारे में उसे धमकियाँ दे रहे थे कि आपकी पैदा होने वाली बेटी को ये और वो और गालियाँ और ये वो समथिंग ये दे रहे थे, जो कि पाकिस्तान में मैंने इतना नहीं देखा कि इतना ज़्यादा नहीं कर रहे पाकिस्तानी। यह क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन मीम्स पर निकालते हैं वो, जो कि मतलब एक पॉजिटिव थिंग है। दूसरा आपने बात की कि इंडिया की जो आपको अच्छी चीज़ लगती है वो है उनका फूड, तो उन स्ट्रीट फूड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? स्ट्रीट फूड में उनकी स्ट्रीट फूड ज़्यादा सारी अच्छी हैं, उसमें एक बर्गर्स बनाते हैं स्ट्रीट फूड्स के, वो काफ़ी अच्छे हैं उनके ना, डिफरेंट कभी कौन सा कभी कौन सा, वड़ा पाव समथिंग वो भी, और उसके अलावा भी नए नए ना इनोवेशन करते रहते हैं वो स्ट्रीट फूड्स में, तो वो काफ़ी बेहतर रहते हैं, चीज़ बर्गर्स और ये वो काफ़ी कुछ वो बेहतर करते हैं। वैसे कभी कोई इंडियन फूड ट्राई किया आपने या सिर्फ देख देख कर पसंद है? नहीं, इंडियन फूड ट्राई किया, एक दफ़ा वड़ा पाव किया था ट्राई। हाँ जी, हाँ अच्छा था। बख्तावर, अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग अबाउट इंडिया? आई पर्सनली थिंक कि इंडिया का एक तो अच्छा पॉइंट ये है कि वो अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं और वो बहुत लेके चलते हैं, हर उनके इवेंट पे देखें उनके सेलिब्रिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा उनको ओन करते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती, विच इज़ रियली सैड थिंग। और एक बैड चीज़ ये है कि मैंने अभी इंडिया का मैच देखा, हम लोग हमारी टीम अगर हारती है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, पर इंडियंस बहुत बहुत ज़्यादा उनको डिकरेज करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि उनमें तहम्मुल मिजाजी नहीं है और ये होनी चाहिए। आपने बताया इंडिया की गुड थिंग ये कि वो अपने कल्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उनका कोई भी त्यौहार आता है पूरी दुनिया में पता चलता है कि भाई उनका ये त्यौहार आया है, तो क्या वजह पाकिस्तान में हम क्यों नहीं इस तरह से अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते, सिवाय मेरा ख्याल है दो ईदें हैं हमारे, ईद का पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में ईद है, अदरवाइज बहुत सारे हमारे फेस्टिवल वाकई में ऐसे आते हैं जिनका किसी को पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, भाई इलामा इकबाल डे आया है तो किसी को इतना कुछ पता नहीं चला क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह ओन ही नहीं करते हमारे कल्चर को, हम इतना मेंटली उनकी साइड पे कि हम होली मनाने को चले जाएंगे पर अपने ईद मिलादुन नबी वगैरह कुछ नहीं मनाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ तरह का है। सही, और यहाँ तक कि आपको पता है कि हमारी 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर पूरी दुनिया ने इंडिया को विश भी किया, इंडिया का जो था उसके साथ सेलिब्रेशन भी की, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह मनाया, हम लोग अपने सियासी मसलों में फंसे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पॉलिटिक्स को इतना लोग सीरियसली और इतना दिल पे ले लेते हैं कि उनको लगता है कि बाकी दुनिया में कुछ और चीज़ है ही नहीं, विच इज़ लाइक हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, उस चीज़ पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपने बात की बुरी चीज़ के वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ तो पाकिस्तान में भी नहीं आपको लगता देखी जाती है? एक्सट्रीमिज्म की बात करी ना, तो ये तो पाकिस्तान में पसंदी पाई जाती है। नहीं, हमारी टीम वगैरह कुछ भी हो इस तरह को, हम लोग उतने हाई पर नहीं होते एज कम्पेयर टू वो लिटरली एयरपोर्ट पे जाके उनको मार रहे हैं, चीज़ें वगैरह मार रहे हैं, इवन कि इंडियन आपने देखा इंडियन अफवानी इस T20 वर्ल्ड कप में ही हुआ है। जी, जब वापस आए हैं ये लोग, तब उनकी एयरपोर्ट पे आवाम गई हुई है, वो उनको मार रहे हैं। हमारा जो होता है, हमारा एटलीस्ट ये होता है अभी हम वर्ल्ड कप आ रहे हैं, हम देखे चलो एटलीस्ट वो फाइनल में पहुंचे हैं, दे अचीव समथिंग। अच्छा, ये कहाँ पर देखा आपने? मेरे इंस्टाग्राम पे। अब्दुल मोइस, इंडिया के बारे में एक अच्छी और एक बुरी चीज़ बतानी है। बुरी चीज़ तो ये है कि मतलब वो हमसे नफरत वगैरह बहुत करते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम हमें ठहरा देते हैं, उनके मुल्क में कुछ भी होता है तो हम पे आ जाता है, हालांकि हमने किया भी नहीं होता। अच्छा। कोई बॉम्ब अटैक या कुछ हो जाए, कभी उनको कबूतर मिले तो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, हमारी जानिब से कभी ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, ये ऐसा ना कहे, हमारी जानिब से भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ होता है तो हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं कि ये भाई इंडिया ने किया है, इंडिया का किया धरा होगा, तो हम भी सारा इल्ज़ाम इंडिया पर लगाते हैं। हमारा इतना इन्फ्लुएंस उनका तो मीडिया हम पे हर चीज़ का इल्ज़ाम, इवन अभी जब मैच आ रहे थे सेमीफाइनल में वो भी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन हम लोग हारते हैं या हमारा कुछ होता है हम लोग उस तरफ जाने इल्ज़ाम नहीं लगाते। लगाते हैं, हम भी इल्ज़ाम लगाते हैं, माने इस चीज़ को इतना नहीं लगाते जितना वो लोग लगाते हैं, उनका लगाते तो है ना, थोड़ा हो या ज़्यादा, थोड़ा बहुत लगाते हैं, लेकिन उनका मीडिया हमसे ज़्यादा लगाता है वहाँ पे। मीडिया वॉर तो चलती रहती है, उनका मीडिया हमें गंदा करता है, हमारा मीडिया भी कोई कसर बदले में नहीं छोड़ता। अच्छा, आप इंडिया के बारे में एक अच्छी चीज़ बताएं। अच्छी चीज़ यही है कि उनकी मूवीज़ अच्छी हैं, हमसे बेहतर हैं, बहुत उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमसे बहुत अच्छी है, फिल्में वगैरह उनकी हमसे बहुत अच्छी हैं, उनके एक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमसे, और बाकी यही चीज़ें हैं, मतलब बॉर्डर हमारा लेता रहता है, लेकिन अच्छी चीज़ भी है, फिल्में वगैरह ये चीज़ें सारी अच्छी हैं। आप इंडियन मूवीज़ देखते हैं? जी। तो फेवरेट मूवी कौन सी आप? फेवरेट मूवी अभी देखी थी एक, चेन्नई एक्सप्रेस, वही है फेवरेट। इतनी पुरानी अब देखी है? जी, टाइम नहीं था तो बस अब देखी थी। मोहित, अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग अबाउट इंडिया? गुड थिंग ये है कि इंडिया के लोग अच्छे हैं, मेहनती लोग हैं, हम कह सकते हैं कि आपस में घुल मिल भी जाते हैं वो लोग और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनकी बैड थिंग ये है कि वो रिलीजियस बहुत हैं।
मतलब कि मुसलमान वगैरह के साथ वो सही नहीं रहते, अपने आप में बहुत रहते हैं, मतलब कि उन्हें मुस्लिम सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं लगती। आपने अक्सर देखा होगा मुसलमानों की मस्जिद में हर रोज़ मुजाहरे होते हैं और उनके एक खिलाफ जाते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रहा? जो चीज़ें अगर वहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर भी तो होती हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन ऐसा हुआ है ना, कई दफ़ा हुआ है इस्लामाबाद में, बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कई बार हुआ ऐसा है कि हमने यहाँ पर उनकी इबादत गाहें जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो अगर चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर भी तो होती हैं, हमें इस चीज़ को जो है एडमिट करना चाहिए। जी जी, करना चाहिए, लेकिन आपने देखा ही होगा दहशतगर्द वगैरह जो होते हैं वो कह सकते हैं वो लोग ही ऐसे काम करते हैं, वरना पाकिस्तान के लोग तो ऐसा नहीं करते। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आम पब्लिक ऐसा नहीं करती, जो भी इंतहा पसंद लोग हैं, इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, उनकी जानिब से किया जाता है। जी जी, ये बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यही लड़ाई वगैरह करवाने के लिए ये लोग करते हैं ये काम। अच्छा, वो इंडियन जिस वक्त आपको देख रहे हैं और जो सोचते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनके बारे में बड़ी नफरत उनके दिलों में मौजूद है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से द थिंग इज़ हम यूनाइटेड, तो एज ए नेशन सारे यूनाइटेड होते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क होता है। उनसे हमारा कोई क्लाश नहीं हो, हमारे से उनका कोई क्लाश नहीं, सिंपल बात है। अब हमें कोई सिखाएं, हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा वो समझा दे, अच्छा थोड़ा फ्रेंडली हो जाए। कि अब मैं तो कहते बीच में बॉर्डर लाइन ही खत्म कर दे, ताकि एक हो जाए, क्योंकि अब न्यू जनरेशन जितनी आ रही है उनकी वो पुरानी वाली सोच नहीं जो पहले थी। इंडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी ऐसे है कि जो मैंने बोला ना एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनमें भी एक ग्रुप है, लेकिन वो उनका ग्रुप थोड़ा सा काफ़ी लार्ज है ड्यू टू देयर पॉपुलेशन, कि वो इस वजह से काफ़ी एक्सट्रीम है। ये वैसे देना चाहूँगा यार, लाइट रहो, थोड़ा सा इजी रहो, पाकिस्तानी मीम्स बनाते हैं इजी पीजी हो के, मतलब माहौल अच्छा रखो, सिस्टम ठीक रखो। बॉर्डर पहले सेम था, अब अलहदा हुआ है, लेकिन है तो एक ही मुल्क में, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नफरत वगैरह, ये लड़ाई वगैरह, इल्ज़ाम वगैरह। उनके इलेक्शन आते हैं, वो हम पे इतना इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, फिर ये सारी चीज़ें, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि लव स्प्रेड करें और हैप्पीनेस और खुशहाली हर जगह, बस। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडिया के बारे में। लेकिन जो इंडियन इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो भी एक अच्छी और एक बुरी चीज़ पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।